The Perseverant IAS. देखिए बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है ये, जो कल आपके एग्जाम हुआ है बीपीएससी ने लिया है। 1 to 5 के लिए जो टीचर बनेंगे, 1 to 5 के लिए जो टीचर बनेंगे उनके लिए ये क्वेश्चन था, कल का ये क्वेश्चन है। आप देखिए कि आप लोग की भी तैयारी हुई है इसी तरह से, देखते हैं कि आपसे कितने क्वेश्चन इसके बनते हैं। कुछ इसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो डेली करंट अफेयर यहाँ कराया जाता था उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कुछ, और कुछ जो है आप कितना करंट अफेयर किया है वो इससे पता चलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन ये था कि केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पेयजल योजना चल रही है जो आपके घर पे पानी आ रहा है पाइप के थ्रू, उसका जो है एक्सटेंशन हो गया, जो उसका डेडलाइन था 2025 था, ठीक है, अब वही बढ़ा दिया था सरकार ने इसको। वही यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से ईयर के लिए बढ़ाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर जिस भाई ने भी मारा था 2027, ये सही था, यही आंसर था इसका 2027 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये था कि किस भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान ने तंजानिया में, ये आपका करंट अफेयर यहाँ हुआ था, इस कोचिंग में ये क्वेश्चन कराया गया था। देखिए ये क्वेश्चन कल के एग्जाम में पूछ दिया गया है कि कौन से संस्थान, यानी IIT आपका कितना है, IIT दिल्ली है, IIT कानपुर है, IIT मद्रास है, तो उसी में से एक IIT का जो है ब्रांच कहाँ खुल रहा है, तंजानिया में। तंजानिया कहाँ है, साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, ठीक है, वहीं आपका IIT मद्रास खुल रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर 32 का सी था, करेक्ट। अब आगे देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था खीर भवानी मेला, ये देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन है, आप पूछते हैं ना कि करंट अफेयर का क्वेश्चन कैसे आएगा, जो भी आपका इंडिया कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी से बना हुआ है, 28 स्टेट 8 यूनियन टेरिटरी, ठीक है, हर स्टेट का अपना अपना एक फेस्टिवल होता है, और जो फेस्टिवल वो मनाता है वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी रिसेंट में जो है खीर भवानी मेला मनाया गया था कहाँ, ये जम्मू एंड कश्मीर, करेक्ट आंसर पे टिक मारा जिस भाई ने भी मारा है, टीचर बनने की संभावना उसकी बनी हुई है, ठीक है, अभी तक उसने सारा क्वेश्चन सही किया है, ठीक है। आगे देखिए, तो इस तरह से जो भी 28 स्टेट है ना, आपको फेस्टिवल याद रखना कि कहाँ कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, जैसे आपके बिहार में, ठीक है, जैसे पंजाब में लोहड़ी मनाया जाता है, वो भी एक फेस्टिवल है, जब धान उन कटता है ना तो उस ईयर किसान मनाते हैं, तो इस तरह से 28 स्टेट में अलग अलग फेस्टिवल होता है, तो आपको सब याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, पूछ लिया खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ये कल हुआ है ये एग्जाम, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये एग्जाम कल हुआ है टीचर बनने के लिए, आप में से भी कईयों का सपना होगा टीचर प्रोफेसर बनने के लिए, तो इस तरह के एग्जाम को क्वालिफाई कीजिएगा तभी बनिएगा। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर, ये बताइए कहाँ है, इंदिरा गांधी नहर, हाँ तुम तो बताओगे ही, तुम तो सुपीरियर हो ना, इंदिरा गांधी नहर, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये नहर करेक्ट है। अभी देखिए अच्छे अच्छे की जो है यहाँ क्वेश्चन अभी टफ आने वाला, याद रखिएगा इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है आपको मालूम है, लोकेशन आप याद रखिएगा, ये निकलती है आपके जो आपका सिंधु रिवर का नाम सुना होगा आप लोग, सिंधु की 5 जो है सहायक नदी है, रावी ब्यास झेलम चेनाब, ठीक है, इन्हीं में से एक से निकलती है ये, और ये राजस्थान तक आती है, यानी हिमाचल प्रदेश से निकल के ये कहाँ तक आती है, राजस्थान। कोसी नहर, पूर्वी कोसी नहर तो आपका जो है बिहार में ही है, तो लंबी कैसे हो जाएगी बताइए आप, ये बिहार, बिहार अगर स्टार्ट हो रहा है, बिहार अगर स्टार्ट कर रहे हैं आप यहाँ पे, पूर्वी कोसी नहर आपकी, कोसी नहर कहाँ है, देखिए कोसी नहर सिर्फ नेपाल से निकलता है कोसी रिवर, और कहाँ तक है, बिहार तक, ठीक है, तो लंबी कैसे होगी, जाहिर सी बात है वो हिमाचल प्रदेश से आ रही है, हिमाचल पंजाब और उसके बाद राजस्थान, ठीक है, मिस्टेक हो गया वो भाई साहब, थोड़ा सा क्या करेंगे उसको, जो हम बोला शायद वहीं उनका ध्यान चला गया था क्या। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की सबसे लंबी नहर हो गया ये, अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 35 आपको समझ में आ रहा है, इसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे, नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी इंग्लिश बोले तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के बारे में पूछा जा रहा है, CVC, ठीक है, CVC ये सतर्कता आयुक्त कहलाते हैं, यानी कि विजिलेंस, आय से अधिक संपत्ति अगर किसी के पास भी है, ठीक है, तो इनका काम है पता करना कि कैसे उनके पास आय से अधिक, करप्शन में वो इन्वॉल्व होंगे तब ना उनके पास संपत्ति बढ़ेगा, तो इनका काम यही है देखना कि कौन से विभाग में करप्शन ज़्यादा हो रहा है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। अभी आप ED सुन रहे हैं ना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, हर जगह जो है यही छापा मारते हैं, तो इसी की तरह CVC भी है, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, तो उसके टॉप मोस्ट पोस्ट पे कौन है ये आपसे पूछा गया है, कौन है टॉप मोस्ट पोस्ट पे, किसी को पता है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो डेली करंट अफेयर होता है, हाँ आप तो बताइएगा ही, लेकिन आप गलत हो गए इस बार भैया, यहाँ उनका नाम ही नहीं दिया गया, आंसर ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, कौन है तो अभी, हाँ तो श्री अरविंद कुमार जो है कौन है, CVC का पूरा नाम सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है,
यही है आपके अभी श्री अरविंद कुमार। तो देखिए कि क्वेश्चन का सिनेरियो कैसे कैसा होता है, किस किस डिपार्टमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप 10th में अभी 12th में अभी कंपटीशन में जाइएगा तो आपको जो 10th का जो नॉलेज है ना, आप देख रहे हैं कि पहाड़ पठार से अभी आने वाला क्वेश्चन भी पहाड़ पठार से होगा। ज्योग्राफी अभी आप थोड़ा देर पहले पढ़ रहे थे उसका भी क्वेश्चन आएगा और साथ साथ करंट अफेयर का भी क्वेश्चन। ये जो है श्री अरविंद कुमार करंट अफेयर के क्वेश्चन से था। अब आगे आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन। देखिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स अभी हाल फिलहाल में जो भी करंट अफेयर आपने देखा होगा इस चैनल का, तो इसका आंसर आप लोग कर दीजिएगा, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि इंडिया का कितना रैंक है, 85। कितनी कंट्री है जिसको जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में पहले नंबर पे है, ठीक है। 6 कंट्री है जो पहले नंबर पे है, ठीक है। अच्छा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स होता क्या, किस लिए, क्या फायदा है इसका। आप 85 रैंक पे हैं तो आपका कोई नुकसान है क्या? जी हाँ नुकसान है। जो भी पहले नंबर पे है ना उसके लिए वीजा फ्री है, 193 नेशन में वहां के निवासी घूम सकते हैं आराम से, वीजा लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो है 85 रैंक है, आपके पास 62 नेशन जो है ना फ्री है, आप कहीं भी जा सकते हैं, वीजा ऑन द स्पॉट आपको मिल जाएगा। जितना अच्छा रैंक होगा आपका आपका उतना ज्यादा जो है कंट्री फ्री होगी, आप उतरिएगा वहां एयरपोर्ट पे आपको वीजा मिल जाएगा। तो इंडिया में अभी 62 नेशन ऐसा है जहां आप उतरिएगा और आपको वीजा मिल जाएगा, ठीक है। ये भी कहां से क्वेश्चन था, करंट अफेयर से। तो आप ये भी अभी अपने जहन में बनाते चलिए कि क्वेश्चन कहां कहां से जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है। मलिका साराभाई संबंधित है, ये अभी बहुत फेमस से पर्सनालिटी थी, न्यूज में थी, अभी ये क्या है आपसे पूछा गया है। चित्रकारी मतलब आर्टिस्ट हैं, शास्त्रीय नृत्य यानी डांसर हैं, या चिकित्सा विज्ञान से यानी डॉक्टर मेडिकल सिस्टम से रिलेटेड है, क्या है ये। अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा कि ये शास्त्रीय नृत्य मतलब डांसर है ये, ठीक है। किस बैंक द्वारा प्रसिद्ध क्रेडिट, सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। किस बैंक द्वारा प्रसिद्ध क्रेडिट स्विस बैंक, एक बैंक है क्रेडिट स्विस बैंक, ठीक है। ये जो है मर्ज हो रहा है, यानी इस बैंक को पूरे के पूरे एक इंडियन बैंक के साथ, एक विदेशी बैंक है, इसको पूरे के पूरे एक इंडियन बैंक के साथ जो है ना मर्ज किया जा रहा है, ठीक है। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो इंडियन बैंक कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ है SBI, जापान, UBS बैंक, कौन सा है, इसका आंसर यही है UBS बैंक, ठीक है। UBS बैंक के साथ जो है मर्जर हो रहा है, सबने कहां टिक लगाया होगा, SBI, क्योंकि सबसे बड़ा बैंक यही है और अभी यही न्यूज में चल रहा है, इसकी हालत खराब हुई हुई अभी, इसको लेकर सुना आपने नाम, आपको तो अपडेट रहना जरूरी है सबसे। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स, इसका अभी नाम सुन रहे हैं, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स, गुप्त चंदा, पार्टी को चंदा दिया गया है, किसने किसको चंदा दिया गया है ये पूरा डेटा मांग रहा है अभी कौन, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को देना है, क्योंकि इलेक्शन होने वाला है अभी रिसेंट में और निष्पक्ष इलेक्शन की बात चल रही है। तो ये था आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन सारा। अभी देखिए कि फिर से आपका दूसरा क्वेश्चन किस चीज का है, कौन सा देश प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप आयोजित करता है। फ्री लैंड कैंप कहने का मतलब है भारतीयों के लिए नहीं, किसके लिए, फ्री लैंड कैंप आयोजित करता है देश, कौन सा देश प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए, स्वदेशी कहने का मतलब है अपने ही लोगों के लिए, ठीक है। आप पूरे नेशन के बारे में अभी आप ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे कुछ देर पहले, एक देश है जो प्रतिवर्ष जो है एक मेला लगाता है, फ्री लैंड कैप इसको बोलते हैं, कौन है, भारत है, ब्राजील है, नेपाल है, तो ये है आपका ब्राजील। आपको बताना है कि ये ब्राजील की कैपिटल क्या है, ब्राशिला में ही ये कैंप लगता है, इसीलिए आपसे पूछा हमने इसकी कैपिटल क्या है। देखिए राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुए, राष्ट्रीय जनता दल कौन सी पार्टी की बात हो रही है, आपके बिहार की एक पार्टी है RJD, ठीक है, RJD राष्ट्रीय जनता दल, क्या है इसका चुनाव चिन्ह, लालटेन, जी बोलिए घबरा क्यों रही है। और इसके बाद कौन है इसके लीडर सबसे बड़े, इसके डायरेक्टर बोल दे, अध्यक्ष कौन है, लालू प्रसाद यादव। RJD कब बनी थी, देखिए क्वेश्चन यही पूछा है ना आपसे कि RJD कब बनी, क्वेश्चन पढ़िए देखिए क्या है, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये हुआ था इसका, देखिए करेक्ट आंसर है 5 जुलाई 1997, ठीक है। दो पार्टी को मिला के एक पार्टी बनाई गई थी, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 41, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति, ठीक है, हिंदी है काफी तो आपको समझने में मुश्किल होगा, इसको अभी हम आसान कर देते हैं आपके लिए, कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति, यानी कपड़े के लिए और चमड़े के लिए अगर आप उद्योग करते हैं तो 2022 के अनुसार पेटेंट शुल्क की कितनी राशि तक का अनुदान किया जाएगा। पहले ये 5 लाख था, फिर इसने गड़बड़ कर दिया यार, 5 लाख पे टिक मार दिया, पहले था 5 लाख, साल 2022 से कर दिया गया है इसको 10 लाख, ठीक है।
सही आंसर इसका क्या होगा? 10 लाख। ठीक है, पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? ये है आपको 14। ठीक है, 14 है। टोटल विधानसभा सीट बिहार में कितना है? विधान परिषद है 75, विधानसभा 243। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली की विचार उधार लिया था, कहां से लिया था? ये USA, UK, कनाडा। कहां से लिया है भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था? ये लिया था आपको USA से, ये लिया गया है कनाडा से। कनाडा से, USA से सारी शक्तिशाली चीजें ली गई हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, ये सब सारी आपकी शक्ति वाली चीज। शक्तिशाली देश कौन है? USA। तो सारी शक्ति की चीज कहां से इंपोर्ट कीजिएगा आप? USA से। प्रेसिडेंट आपकी शक्तिशाली है, इनका पूरा कंसेप्ट लिया गया वहीं से। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज है, डिटेल क्लास में कभी जाएंगे तो आपको बताएंगे जरूर। अब देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा? कनाडा। ये कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं जिनका भी ये पेपर है, क्योंकि लगातार गलतियां मिल गई है। कितनी? 4 से 5। अब आइए, ये सब पॉलिटी का क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर देना है। अब देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? ना अपर हाउस। ठीक है, तो अपर हाउस में आपको 30 वर्ष चाहिए, यहाँ पे ये सही थे। लोकसभा में 25 वर्ष। और फिर एक क्वेश्चन बनता है कि MP के लिए न्यूनतम वर्ष कितना है? MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए तो 25 वर्ष। लोकसभा के इलेक्शन में आप 25 वर्ष के लिए खड़े हो जाते हैं, जबकि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ठीक है, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होता है? कहीं के भी आप मेंबर हैं, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, तो MP आप कहलाइएगा। तो MP बनने के लिए कितना वर्ष? यहाँ पे क्वेश्चन बहुत तरह से घुमाया जा सकता है, आपको एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए कि लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30, और फिर अगर उस क्वेश्चन को वो घुमा दे इस तरह से कि MP बनने के लिए कितना, तो MP अगर आपको मालूम है कि MP कैसे बनते हैं, लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर होने 25 होगा MP के लिए, क्योंकि लोकसभा के मेंबर भी तो MP कहलाते हैं। ठीक है, तो काउंट करेगा इस तरह से, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा सिर्फ पूछे तो 30, MP पूछे या फिर लोकसभा पूछे तो 25। ठीक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको पता चला आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग कंट्री से लेके बनाया गया, तो सोर्सेस के बारे में पूछा जाता है कि कहां कहां से लिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वहीं से था कि आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो था आपके पार्लियामेंट से। ठीक है, कि पार्लियामेंट कैसे बनता है आपको पता है ना? अगर ये पार्लियामेंट है तो इसमें कितने लोग होंगे, क्या क्या होगा इसकी बॉडी? इसकी बॉडी लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी और प्रेसिडेंट होंगे। तो वहीं आपसे इसके बारे में पूछा है कि इसके इलेक्शन के लिए कितना एज लिमिट है। ठीक है, तो राज्यसभा के इलेक्शन के लिए 30 वर्ष। ठीक है, ये कैसे हुआ समझ में आ गया आपको? डिटेल में आपको बताया ये बहुत ज्यादा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय फिल्म ने 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता? फिर से क्वेश्चन आ गया करंट अफेयर का। अब आप समझ रहे हैं करंट अफेयर कितना जरूरी है। पहले शुरू भी हुआ था करंट अफेयर से, फिर बीच में पॉलिटी का क्वेश्चन आया, फिर आ गया आपका करंट अफेयर। ठीक है, तो न्यूज एंड इवेंट कितना जरूरी है? आप लाइफ के स्टेज में कोई सा भी पेपर दीजिए, आपके लिए न्यूज एंड इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने 24 घंटे में से 1 से 1.5 घंटा ऐसा टाइम निकालिए जिससे आप न्यूज और इवेंट से अवेयर रहें। ठीक है, ताकि इस तरह का क्वेश्चन आप देखते के साथ टिक करें, द एलिफेंट विस्पर। ठीक है, और यहीं पे एक नाटू नाटू गाना था। ठीक है, इसको भी क्या मिला था? ऑस्कर मिला था ना। कौन, RRR मूवी देखा आप लोग? उसमें भी एक सॉन्ग को, इस वाले सॉन्ग को मिला था, और विस्पर, द विस्पर एलिफेंट, इसको भी ऑस्कर मिला था साल 2023 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ गया, इसका सभी को जवाब देना है यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी की बात कर रहा है? इक्वल अपॉर्चुनिटी, रोजगार में सबको बराबर का अवसर मिलेगा, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, और आर्टिकल 15 क्या है? पांच चीज को याद रखना है इसमें, आर्टिकल 15 में। देखिए, पांच चीज क्या क्या है? सबसे पहले जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान, और क्या बच गया? प्लेस तो वही हो गया, जन्म स्थान। पांच चीज है, कौन कौन? जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान, और एक और मिसिंग है, बताइए क्या? इन पांच चीजों के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, ये आर्टिकल 15 कहता है। धर्म, वंश, मूल वंश है ये, मूल वंश नहीं, एजुकेशन इसमें नहीं है, मूल वंश। ठीक है, इन पांच चीजों के आधार पे सेक्स, ठीक है, ये पांच चीज के आधार पे आप आर्टिकल 15 में किसी के साथ भेदभाव नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आप पांच चीज कौन कौन है पता चल गया आपको जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, कितना टाइम हो गया है?
अच्छा 47 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृहित ग्रह नहीं है, यानी कि ऑटर ऑटर ये पूछ रहा है, ऑटर ऑर्बिट नहीं, ऑटर प्लैनेट, प्लैनेट दो आठ है ना टोटल आपका, ठीक है। सबसे पहले कौन है, एम वी ई एम, ठीक है, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, ठीक है, ये सब इनर हो गया, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृहित ग्रह नहीं है, तो बृहस्पति यानी कि मार्स, ये मरकरी ना, मरकरी को बृहस्पति बोलते हैं, और इसके बाद आपका मंगल, शनि नहीं है, सैटर्न बाहर का है, ठीक है, चार अंदर है, यानी ये चार जो है आपका पत्थर से ना बना हुआ है, और इसके बाद किससे है, गैस से बना हुआ, ठीक है, आपके आठ ग्रह में चार पत्थर से है और चार जो है गैशियस है, तो ये वृहद जितना भी है ना, बाहर वाले को बोल रहे हैं, वृहद जितना भी है सब गैशियस है, तो वो कौन है, शनि, अरुण, वरुण, ये सब बाहर वाले ग्रह है आपके, ठीक है। अब पता नहीं सही बताया कि नहीं, मालूम नहीं हमको, लेकिन इसका आंसर यही है आपका, बी, शनि। अब देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन है, अब आपके क्वेश्चन बिहार से है, फिर से आपको बताना पड़ेगा, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है, रोहतास में, देखिए रोहतास में गेहूं और चावल दोनों ज्यादा होता है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रोहतास। नालंदा में क्या होता है, नालंदा में होता है आपका ओनियन, प्याज, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है। भोजपुर में चीनी, चीनी मिल, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, मजा आ रहा है आप लोग को। कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इंडियन सर्वे, सर्वे डिपार्टमेंट, कब बना था ये पूछा जा रहा है, जहां जहां सर्वे, पहाड़, पठार, नदी का जो सर्वे करने के लिए एक डिपार्टमेंट बना हुआ है ना इंडिया में, तब ना आपको पता चलता है कि राजस्थान की बाउंड्री यहां तक है, हा? तो ये कब बना था, ये सर्वे कब बना था ये पूछा जा रहा है, 1767, 1867, आप इस पे विश्वास कर सकती हैं, ये सही है, 1767 किसके द्वारा बनाया गया था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, पढ़ा है ना इसके बारे में आप लोग, कुछ तो पढ़ा ही होगा, ये दूसरी थी, पहली कौन थी, पुर्तगीज आए थे, दूसरे आपके यही लोग थे, ब्रिटिश थे ना, दूसरे ब्रिटिश थे आपके, पहले पुर्तगीज, दूसरे डच, तीसरे पुर्तगीज, तीसरे ब्रिटिश थे, ठीक है, लेकिन कंपनी बनाने में ये पहले थे, तो इन्होंने ही बनाया था क्या, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, तो आंसर ए इसका करेक्ट आंसर था। अब देखिए मत्स्य कृषि सूचकांक क्या है, ये एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसका आंसर सम्यवाद है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, आंसर यही है इसका। आइए पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है, यानी कि माउंटेन, सब माउंटेन के सबसे चोटी पे, पीक पे जो पर्वत मिलता है, जो पत्थर होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, देखिए माउंटेन है ये आपका, यहाँ पे जो पत्थर है, यहाँ पे जो चट्टान है वो क्या कहलाता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे का चट्टान तो आपको पता है क्या कहलाता है, खादर वगैरह, खादर या भंगार कहलाता है, ठीक है, मिट्टी, लेकिन ये यहाँ पे वाली का नहीं पूछ रहा है, चोटी का पूछ रहा है, तो कोई आपको आइडिया है क्या होगा, ये कहलाता है समित, शिखर को कहते हैं समित, समित है कहीं पे, हिंदी में भी वह समिति लिखा है, आंसर क्या हो जाएगा तब इसका, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अब लैंडशाफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है, ये एक विचारधारा के बारे में, आइडियोलॉजी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपको रटना पड़ेगा कि ये जर्मन स्कूल से संबंधित है, ठीक है, 52 का ए। अब नेक्स्ट देखिए कि आपका फिर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा आपके पास, देखिए आपके पास बिहार में कौन कौन सी नदी बहती है आपको मालूम है ना, बिहार की नदी के बारे में अगर हम पूछें तो कौन कौन सी नदी बताइएगा, सबसे पहले आप बताइएगा स्वर्ण रेखा, उसके बाद घाघर, उसके बाद गंडक, उसके बाद बूढ़ी गंडक, उसके बाद आपको बागमती, कमला और उसके बाद महानदी, ठीक है, महानंदा, महानंदा, फिर अगर ये सब नॉर्थ बिहार की नदियाँ बताया हमने आपको, अगर आपसे साउथ बिहार की पूछें तो साउथ बिहार में आपको सबसे पहले मिलेगा इस तरफ से नीचे से सोन, उसके बाद आपको पुनपुन, उसके बाद आपको फल्गो, उसके बाद आपको अजय, ठीक है, कोसी ऊपर बता दिया, कोसी ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नदी पूछ रहा है कि सोन के बारे में, सोन कहाँ से निकलती है, सोन नदी का उत्पत्ति, अमरकंटक कहाँ स्थित है, अमरकंटक की पहाड़ी है, ये एक माउंटेन रेंज है, यहीं पे से निकलता है, मैकाल श्रेणी इसका करेक्ट आंसर है, उसको क्या बोलते हैं, मैकाल श्रेणी। अब ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप, मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है, ठीक है, कितना प्रतिशत है, आपके बिहार का नहीं पूछ के इसने कहाँ का पूछ दिया, तो इसीलिए आपको बोला ना कि 28 स्टेट आपको पढ़ना कितना जरूरी है, उसको आपको पेप्स मेथड से बताया था कि पी पी ई एस, फिजिकल, ये पॉलिटिकल, फिजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल चीज़ें आप जानते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बता देती, 50% जमीन पर वहाँ खेती होती है, कहाँ हो सकती है, मध्य प्रदेश में, इसने क्वेश्चन पूछा कि कितना परसेंट पे हो सकता है,
तो 50% इन्होंने फिर से क्या किया है, 30% गलत। आइए, पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है, किस चीज़ को पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया? अभी आप देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट में लगातार जो है टेम्परेचर आपका कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, राइज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ख़राब हो रही है स्थिति पर्यावरण की। तो वही पूछ रहा है कि किस चीज़ के लिए चिंता का सबब बना है, वैज्ञानिक नियतिवाद को इसने जन्म दिया है, ये इन्होंने सही बताया है। अब वैज्ञानिक सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर इन्वायरमेंट इतना ख़राब क्यों होता जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, वैज्ञानिक नीतिवाद। अब देखिए, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन, पहले चावल पूछा आपसे, अब क्या पूछ रहा है, गेहूं, तो ये भी हमने आपको उसी टाइम बता दिया, कहाँ, रोहतास। पटना में अगर पूछे तो पटना में सबसे ज्यादा पल्सेस दाल होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे 57, भ्रंश स्कार्फ क्या है, ये आप जानते हैं क्या है, ये आप पहचान रहे हैं, भ्रंश स्कार्फ मतलब है आप, ये लैंड है, ठीक है, लैंड का पार्ट है, कहीं कहीं पे ऐसे आप दरार देखते हैं, उसी को बोलते हैं ब्रंच स्कार, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ये कैसा होता है, इसका आंसर यहाँ पे संरचनात्मक होगा, संरचनात्मक, ठीक है, स्ट्रक्चरल, ठीक है, आंसर इसका सी, ये गलत है, यहाँ पे इनका लगाया हुआ आंसर संरचनात्मक होगा। अब आगे आप फिर से आपके बिहार से क्वेश्चन क्या है, बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सबसे अधिक होता है, बताइए, सबसे अधिक पूछा है आपका, याद रखिएगा कि वेस्टर्न बिहार में चीनी सबसे ज़्यादा होता है, वेस्टर्न बिहार में, तो वेस्टर्न बिहार में भी सबसे ज़्यादा 11 मील में से 7 मील आपको कहाँ है, पश्चिम चंपारण में, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, वेस्टर्न चंपारण इसका करेक्ट आंसर। बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपको पता चल रही है जो अच्छे अच्छे लोगों को मालूम नहीं होगा यहाँ पे। आइए अब नेक्स्ट देखिए, आप पटना कॉलेज की स्थापना, इसी तरह से पूछा जा सकता है आपसे कि गया कॉलेज की स्थापना कब हुई, तो बोर्ड पे देखते हुए जाइएगा, यहाँ पूछा है पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई है, तो ये जो आंसर मारे ना भाई साहब, ये एकदम करेक्ट मारे, ठीक है, ठीक है, ये आंसर जो है 1863 सही जवाब है, ठीक है। इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र संपादक थे, वंदे मातरम किसने लिखा है, जल्दी से बताइए, आप लोग का क्वेश्चन आ गया, यही है, वेरी गुड। ऑयल इंडिया हरिजन संघ, ओह सॉरी, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी, बताइए ये जवाब, आप लोग को मैराथन क्लास में ये बताया गया था, क्वालिटी के मैराथन में सर ने बताया था ये, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा हुई थी, ठीक है, इन्होंने जगजीवन राम मार दिया है, अब क्या ही बोले इनको हम। आइए, कौन सी घटना सबसे पहले हुई, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए अगर आपको एग्जैक्ट डेट, हिस्ट्री डेट का खेल है सब, एग्जैक्ट डेट अगर आपको पता होगा तो आप ये चले जाइएगा, 8 अगस्त को हुआ है। गवर्नर जनरल पद कब आए थे, ये 1900 लॉर्ड वेवल की बात है ना, 1944 से 47, ठीक है, अब उसके बाद 8 अगस्त ये 1942 था, अब आपका क्रिप्स मिशन मार्च 22 मार्च 1942, देन आंसर इज क्रिप्स मिशन, ऑल अबाउट डेट लाइन, ठीक है, डेट लाइन अगर आपको पता था हिस्ट्री का, ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेते, ठीक है, आगे बढ़ते हैं तेजी में। अब क्वेश्चन नंबर 63, इनमें से किसने ये कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि ये एक बहुत सूक्ष्मी भाग अल्पसंख्यक है, कांग्रेस का मजाक किसने बनाया था, यहाँ पे से डफरिन बोला था कि कांग्रेस जो है आपकी अल्पसंख्यक की पार्टी है, जबकि करजन ने बोला था कि लड़खड़ा कर गिरने वाली है, ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़िए कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की गई थी, 1912, और प्रफुल्ल चौकसी ने खुद को गोली मार ली थी ना, ठीक है, और इन्हीं का जो है गर्दन काट कर ले जाया गया था, कहाँ, शव का गर्दन काटा गया था, आप बर्बरता समझ लीजिए कि किस तरह के बर्बरता का आलम था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, क्यों हम आज़ादी की बात करते थे उनसे, क्योंकि उनकी विचारधारा जो थी बहुत मतलब बर्बरता वाली थी, बताइए आप कि कोई शव का गर्दन कैसे काट सकता। इनमें से कौन सा अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे, ठीक है, यहाँ पे जो थे वो सी आर दास थे, उसके बाद मौलाना लोग थे, लेकिन ये नहीं थे, ना जाफर अली थे, ना आपके मौलाना मजरुल हक भी नहीं थे, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली भी नहीं थे, इनमें से कोई मौलाना नहीं थे, थे यहाँ पे कौन, सी आर दास थे, मौलाना इकबाल थे, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा आपका, आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है।
अब देखिए 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कानू संथाल का किए थे, ठीक है, संथाल विद्रोह, बुधो भगत, ठीक है, आपको कोल विद्रोह के लिए बुधो भगत थे, तो बुधो भगत यहाँ है, तो फिर कौन हो जाएगा आंसर? ई, ठीक है, ई आंसर है। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था? ये तो काफी इजी क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, 1858। उसके बाद देखिए ये हो गया, ये एकदम इजी क्वेश्चन था, 68। देखिए बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो ये डोरजियो को जाता है, ठीक है, हेनरी विवियन डोरजियो को जाता है, ठीक है, आंसर करेक्ट आंसर सी है इनका। किस तिथि को क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक, यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है तब आप सही आंसर दीजिएगा। किस तिथि को क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 30 जून 1948 की बात थी, 30 जून 1948 को हम क्या करेंगे, भारत को आज़ाद कर देंगे, ठीक है, लेकिन इससे पहले ही आज़ादी मिल गई थी, लेकिन पूछा जा रहा है कि वो डेट का कौन सा था जिस डेट को क्लेमेंट एटली ने घोषणा की थी, कौन सा डेट था वो? 20 फरवरी 1947 था करेक्ट आंसर, ठीक है। किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? बिहार को बंगाल से कब अलग किया था? बिहार 1912 में, ठीक है, ये आंसर गलत हो गया इनका, ठीक है, ये तो बंगाल विभाजन था। तो ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो एक्सप्लेनेशन के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, अगर आंसर आपको ये डिस्कशन सही लगा तो ये कंटिन्यू होगा, तब तक के लिए आप लगातार करंट अफेयर कितना ज़रूरी है आपको पता चल गया ना, ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।